Subscribe and press the bell icon and never miss an update from us. Hello and welcome to Phenomenal School. This is Puneet and in this video I'm gonna show you that how you can verify your Google AdSense account with this verification pin. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Google AdSense अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इस पिन की मदद से, और इस वीडियो में मैं इस पिन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि ये पिन कब मिलता है, क्यों मिलता है और आप किस तरह से इसे पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि ये पिन क्या है और इसे आप कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप YouTube के थ्रू या फिर Google की किसी भी टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर Android ऐप के थ्रू अगर आप पैसे कमाते हैं तो उस पैसे को विदड्रॉ करने के लिए आपको AdSense की ज़रूरत पड़ती है, और AdSense को वेरीफाई कराने के लिए आपको ये पिन की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से पैसे विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि इसे आप कैसे पाएँ, ये आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपना काम जारी रखना है, आप अपना काम करते रहिए। जैसे ही आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक थ्रेशोल्ड अमाउंट को क्रॉस करता है, गूगल आपको ये पिन ऑटोमेटिकली आपके पास भेज देता है और लगभग 5 to 6 वीक में ये आपको मिल जाएगा। मेरे केस में तो मुझे 12 दिन में ही ये मिल गया था। तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ आप अपना काम जारी रखें और ऐड को अपने यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग पे ऐसे ही चलाते रहें। तो जैसे ही आपका अमाउंट जो एडसेंस है, एडसेंस का अमाउंट है, वो अगर टोटल थ्रेशोल्ड अमाउंट जैसे कि $10 या $20 को क्रॉस करेगा, आपको ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या है, क्या हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट थ्रेशोल्ड अमाउंट को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों थ्रेशोल्ड अमाउंट एक ऐसा लिमिट है जो कि गूगल ने कंट्री वाइज डिफाइन करके रखी है। वैसे तो इंडिया के लिए भी $10 है, लेकिन मेरे केस में जब मेरा अमाउंट जो है वो $25 हो चुका था तब मुझे ये पिन भेजा गया, और इसके लिए मेरे गूगल एडसेंस पर एक मैसेज भी आ गया था जबकि वहाँ से डिस्पैच हो चुका था ये। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ अपना एडसेंस अकाउंट चेक करते रहना है। जब आपका एडसेंस अकाउंट जो है $20 के पार पहुंच जाएगा तो आपके एडसेंस में ये मैसेज फ्लैश होने लगेगा, और फिर आपको वेट करना है, और जैसे ही आपको ये पिन मिलता है आपको ये पिन वहां पे एंटर करना है केयरफुली, क्योंकि अगर आप गलत एंटर करते हैं 5 बार तो आपके एडसेंस अकाउंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप उसे कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, और कैसे करना है वेरीफिकेशन ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। अगर आपके पास ये पिन है और आपको नहीं पता है तो आप मेरा आगे वीडियो देखिए, और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए। सो गाइस सबसे पहले आते हैं गूगल एडसेंस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे गूगल एडसेंस का होम पेज खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर का एक बार दिया हुआ है, जो यहाँ पर है कि मेरा जो गूगल एडसेंस है वो अभी तक वेरीफाई नहीं है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप मेरा गूगल एडसेंस जिसके अंदर मुझे वेरीफिकेशन पिन मिला हुआ है, और इसी वेरीफिकेशन पिन को मुझे इस एक्शन बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट फील्ड दी गई है जहाँ पर मुझे अपना वेरीफिकेशन पिन एंटर करना है, और इस तरह से आपको अपना वेरिफिकेशन पिन यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के कुछ देर बाद तक आपको इंतज़ार करना है, और इस तरह से आपका गूगल अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट रिफ्रेश किया है और यहाँ पर वो रेड बार जो था वो हट गया है। तो उसका सिंपल सो गाइस ये था गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कराने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फेनोमेनल स्कूल और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फेनोमेनल स्कूल, सी समथिंग फेनोमेनल, सी समथिंग न्यू।